हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आई होप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो करते हैं दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट घर से। तो अब जा रहे हैं हम लोग अभी सेंधवा आयसर 3015 देखने के लिए। तो अपने प्रेम भाई गाड़ी ले रहे है 3015, तो उन्हीं के लिए गाड़ी देखने के लिए जा रहे है। तो प्रेम भाई मुझे लेने के लिए घर पे आ गए है, इधर खड़े हैं, और उधर दिनेश भाई भी आ गए, बबलू भाई भी आ गए हैं। तो सारे भाई मिलके जाएंगे और गाड़ी को देखेंगे, जमेगी तो सौदा करेंगे उस गाड़ी का। तो क्या कंडीशन है गाड़ी और क्या मॉडल है सारा कुछ बताएंगे, क्या कीमत है। अभी जाते फिलहाल मैं सेंधवा के लिए और गाड़ी वाड़ी सब कुछ आपको बताएंगे। तो चल तो चलो चलते है फिलहाल में। बबलू भाई इधर पानी पी रहे है और अपने प्रेम भाई और दिनेश भाई अरे और भाइयों क्या हाल चाल, ठीक है ना। ये है प्रेम भाई, ये ले रहे है गाड़ी, और उधर है दिनेश भाई। दिनेश भाई चले, चले चलो। तो चलो दोस्तों चलते हैं सेंधवा। और इधर 0144 गोकुल भाई की गाड़ी भी भर के आ गई है सूरत से, परचून ये खड़ी है 0144। प्रेम भाई चलाते थे इसको पहले, क्यों प्रेम भाई? प्रेम भाई ने अभी छोड़ दिया है क्योंकि प्रेम भाई खुद ही गाड़ी ले रहे हैं इसीलिए। आ गए दोस्तों हम लोग गाड़ी के पास में और गाड़ी अभी देख रहे हैं। ये वाली गाड़ी है, देख सकते हो आप लोग भी, ये वाले 3015। और लाइट वाइट फूटी हुई है आगे की, लाइट डालना पड़ेगा। और कंडीशन आप भी देख सकते हैं दोस्तों, बाहर से थोड़ी बहुत कंडीशन अरे ठीक ही है, पर और भी देखते हैं इसमें। टायर टप्पे भी देखो आप लोग, टायर अगले टायर आधे माल के टायर है और बाकी पीछे के तो नए टायर है। इसमें देख सकते हो आप लोग दोनों टायर नए हैं, देख सकते हो दोनों टायर नए और स्टेपनी तो थोड़ी गंजी है, पीछे भी ठीक ही है, इधर के टायर भी ठीक ही है भाई। चारों टायर नए हैं, मतलब छह टायर नए हैं, आगे के भी आधे माल के। ये देखो अगले भी पिछले भी दोनों टायर नए, उस साइड की भी नए टायर। बताओ कितने क्या कीमत रखना चाहिए। और इस साइड का भी टायर दिखा देते, भाई लोग अभी देख रहे हैं गाड़ी को, ये इधर भी देख सकते हो आप लोग, आधा माल का है ये टायर और पीछे के जो टायर है नए टायर है, कम से कम 12 नए माल के। और बॉडी की कंडीशन इधर भी ठीक ही है और ये बॉडी भी देख सकते हो आप लोग, ठीक ही कंडीशन है पूरी। अभी चेचिस वगैरह भी देखना पड़ेगा इसमें, इंजन वगैरह भी चेक करेंगे। चेचिस इंजन गियर सारा चेक करना पड़ेगा, अभी पहले इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ला के गाड़ी मोटर मालिक इसका जो है आ रहा है और अपने ट्रांसपोर्ट वाले की गाड़ी है सेंधवा की है। अब देखते है इसको चला के देखते है कंप्रेसर कैसा आ रहा है इसका, क्या है बैक कंप्रेसर तो नहीं मार रही है गाड़ी, गियर भी चेक करेंगे, इंजन भी चेक करेंगे, चेचिस भी चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, हम लोग देखे नहीं उससे पहले, आप लोगों को बताई मैंने गाड़ी। अब हम लोग देखते हैं गाड़ी वाड़ी को स्टार्ट करके, मोटर मालिक इसका आ जाए पहले, तब तक गाड़ी चेक कर लेते हैं सारी इधर उधर, कोई टूट फूट तो नहीं है। बाहर से कंडीशन तो ठीक ही है गाड़ी की, 2019 मॉडल गाड़ी है ये। अब कागज देखते है 19 है क्या 18 है और कितनी चली है वो भी देखते है। दिनेश भाई कितनी चल गई गाड़ी? चल गई है 3,00,000, कितना है यार अभी नहीं बता रहा टोटल, हाँ बस 4,80,340 किलोमीटर चल चुके दोस्तों। ये देखो कहाँ है, कैमरा सही नहीं आ रहा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। इसका मीटर जो है ना
आप देख सकते हो, ये देखो 4,80,340 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और एवरेज क्या बता रही है 5.6 का। और अंदर की कंडीशन देख सकते हो, अभी प्रेशर भरा रहा है इसका, ये जो प्रेशर डंडी है दिख रही होगी आपको, ये वाली पूरी भर जाएगी और ये वाली भी तब बिरक छोड़ेगी। ये कंडीशन चेक करो भाई बाहर की, ओ अंदर की, भरा जाए फिर इसको ट्रायलिंग पे लेके चलते हैं। दोस्तों गाड़ी को ट्रायल लेने के लिए लेके जा रहे हैं, और अपने इधर दिनेश भाई चला रहे गाड़ी को। दिनेश भाई कैसे चल रही गाड़ी? गाड़ी तो ठीक है, हाईवे पे लगे। चलो अभी क्या रोड थोड़ा सा खराब है ना यहाँ पे, तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा हाईवे पे ले चलते हैं इसको, तो वहाँ चेक करेंगे। तो दोस्तों हाईवे पे हम लग चुके हैं, नेशनल 3 नंबर हाईवे पे, इंदौर बम्बई वाला हाईवे है ये, और यहाँ से दो किलोमीटर आगे चलना है और वहाँ से वापस रिटर्न पलटा के लाएंगे। तो दिनेश भाई अभी देख रहे हैं इधर गाड़ी को, पिकअप वगैरह इसका पूरा ताकत लगा ली, पर 60 के ऊपर नहीं जा रही, तो ये 80 भी हो रहा है, काटा बंद चालू हो रहा है यार, पर देख 80 हो गई गाड़ी, और पिकअप अच्छा है गाड़ी का, पर ये काटा बंद चालू हो रहा है, देख सकते हो स्पीड का आराम से लंबा टर्न में लेना, दबा लो, जान दो निकल जाएगी बिली बट। तो चलो दोस्तों दिनेश भाई यहाँ तक लाए, अब मैं चला के देखता हूँ इसको। दोस्तों गाड़ी चला वाला के देख लिया हमने, और गाड़ी का इंजन का मतलब कंडीशन वगैरह सारा ठीक है, इंजन वगैरह गियर वगैरह सारा ही ठीक है इसका। अब शो सारा ऊपर करके देख रहे हैं हम, तभी शो भी ऊपर करके जस्ट देखा हमने, शो भी लगा लिया नीचे, गाड़ी तो लगभग ओके है, बढ़िया है गाड़ी। तो चलो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं कीमत, और हमारे प्रेम भाई को जमी कि नहीं जमी, वो भी प्रेम भाई को भी पूछना जरूरी है। तो प्रेम भाई अभी इधर गए हैं ये रे, तब दिनेश भाई और प्रेम भाई बात कर रहे हैं। कि भाई से मिला देते हैं, जिसकी गाड़ी है वो जा रहे हैं, आन दो उनको पहले। दोस्तों देख ली हमने गाड़ी, गाड़ी वाड़ी तो अच्छी है, चला के भी देख ली है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हम लोग घर पे, और अपना दिनेश भाई, प्रेम भाई, बबलू भाई वो भी चले गए अपने अपने घर पे, और मैं भी अपने घर पे आ गया हूँ। तो जो गाड़ी देखने गए थे उसका ऐसा हुआ कि भाई प्रेम भाई बोले कि अभी नहीं लेते हैं इसको, और कीमत ज्यादा बता रहा था भाई, जिनकी वो गाड़ी है ना वो 14 लाख रुपए बोल रहे थे कीमत। अब प्रेम भाई सुबह ही बताएगा वो गाड़ी लेने का, तो क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि भाई घर बार भी पूछना है ना, जरूरी है ना, वो घर बार भी पूछेंगे, और कीमत भी उनको बोल रहे थे वो कि कीमत विक्की भाई ज़्यादा बता रहे हैं 14 लाख, तो वो मोटर मालिक बोल रहे थे 14 लाख रुपये कीमत बताई थी और 13.5 तक दे देंगे बोले, और 2018 का मॉडल था वो गाड़ी। तो प्रेम भाई क्या बोलते हैं सुबह बात करेंगे, वैसे तो हमने कोई कीमत लगाई नहीं और कोई कुछ बोला भी नहीं था हमने, और प्रेम भाई बोले कि कीमत कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो वो देखते हैं अब सुबह बोल रहे थे। तो हम भी अब खाना वाना अपना हो गया है, बस सोने की तैयारी अपनी। तो और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर और करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहिए। टाटा बाय, गुड नाइट।